हेलो नर्सिंग ऑफिसर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर फ्रेंड्स आज अपन लेके आए हैं एम्स दिल्ली जो करवाने जा रहा है एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 11 छः 2020 को होने वाला है उसके जो है 20 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं तो फ्रेंड्स अपन लेटेस्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग है जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं तो अपन इसमें है ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे प्रीवियस जो भी वीडियो है उसमें टेन टेन क्वेश्चन अपन डिस्कस करते थे तो कमेंट आते हैं कि टेन क्वेश्चन बहुत कम है तो आज से अपने जो है ट्वेंटी क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं तो डेली के ट्वेंटी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स वो ही क्वेश्चन की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा फालतू का अपन कुछ भी इधर उधर का नहीं पढ़ेंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट हो वीडियो देखने में और मेरा टाइम वेस्ट हो वीडियो बनाने में तो फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसके प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन ऑफ़ द डे का जो क्वेश्चन था उसके आंसर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कमेंट में जो आंसर आया था वो दो तीनों को छोड़ के ऑलमोस्ट सबका राइट आंसर था तो फ्रेंड्स क्वेश्चन था आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस इन पेंक्रियाज फाउंड जो आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस होती है पेंक्रियाज के अंदर वो पेंक्रियाज के कौन से पार्ट के अंदर पाई जाती है उसमें फ्रेंड्स ने एक बॉडी ऐसे करके बहुत सारे चार ऑप्शन दिए गए थे जिसमें फ्रेंड्स ऑप्शन डी था जिसमें टेल लिखा हुआ था तो ऑप्शन डी जो टेल है वो राइट है जो पेंक्रियाज के अंदर आइसलेट ऑफ लैंगर हेंस प्रजेंट होती है वो पेंक्रियाज के टेल पार्ट के अंदर होती है ओके okay, फ्रेंड्स तो चलिए बिना टाइम खराब करिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एस चौधरी नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे विदाउट ब्रेक डेली के क्वेश्चन डिस्कशन किए जाते हैं ओके फ्रेंड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर वन है द एजेंट यूज टू डिस इन्फेक्ट द बैड लिनन ऑफ एच आई वी पॉजिटिव पेशेंट इन फ्रेंड्स एक एच आई वी पॉजिटिव पेशेंट है उसकी बेड लिनन लिनन जो है मतलब चदर जो है बेड शीट है इसको है डिसइनफेक्ट करना है तो कौन सा एजेंट यूज में लेंगे ऑप्शन ए है क्लोरोहेक्साइड ऑप्शन बी है एल्कोहल ऑप्शन सी है स्वाब वाटर और ऑप्शन डी है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो फ्रेंड्स इसमें जो है क्लोरागजीडीन एल्कोहल सॉफ्ट वाटर एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड में से कौन सा जो मोस्टली एच पेशेंट जो होता है उसके जो भी टच में जो सामान आता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट आता है जो भी होता है उसको अपन डिसइनफेक्ट करने के लिए जो यूज में लेते हैं वो है फ्रेंड्स सोडियम हाइपोक्लोराइड मोस्टली सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो एच पॉजिटिव का जो यूज में लिया हुआ जो भी इंस्ट्रूमेंट सामान जो होता है इसको डिस सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा किया जाता है ओके फ्रेंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की क्वेश्चन नंबर सेकेंड है मैकेनिज्म ऑफ टाइप सेकेंड हाइपर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट फ्रेंड्स हाइपर सेंसटिविटी पे रिलेटेड आप पे जो है आपके लिए वीडियो बनाया था एक मैंने जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी का जो है पूरी डिटेल्स को अपन ने वहाँ पे पढ़ा था तो हाइपर सेंसिटिविटी सेकेंड टाइप की दे रखी है उसमें मैंने आपको एक निमोनिक बताया था कि हाइपर सेंसिटिविटी चार टाइप्स की होती है जिसको फ्रेंड्स अपने एसिड एसिड नाम से है ए सी आई डी एसिड नाम से निमोनिक से याद रखा था तो एलर्जिक होती है इसको फर्स्ट साइटोटॉक्सिक होती है उसको सेकेंड ऐसे करके है ना इसको टोटल को जो है अपन ने डिस्कस किया था तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके देख लें तो इसने सेकेंड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी दे रखी है यानी साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी यहां आ सकता था तो भी वही आंसर जाएगा ओके तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं ऑप्शन ए है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज ऑप्शन बी है कॉम्प्लीमेंट एंड एफ सी रिसेप्टर मेडिएटेड इनफ्लामेशन ऑप्शन सी है ऑप्शोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस ऑप्शन डी है एंटीबॉडी मेडिएटेड सेल्युलर डिसफंक्शन तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करता हूं वो जाता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज जो मैकेनिज्म होती है सेकेंड टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी उसके अंदर सबको इंक्लूड किया गया है इसको एक को नहीं किया गया क्योंकि यहाँ एक्सेप्ट दिया हुआ है ओके फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की इंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट आर स्टेलाइज बाय इंडोस्कोप जो होता है इंस्ट्रूमेंट इसको किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है ऑप्शन ए हॉट एयर ओम ऑप्शन बी ऑटोक्लेविंग ऑप्शन सी बॉइलिंग ऑप्शन डी ग्लूट्रेल तो so फ्रेंड्स जो भी इंडोस्कोप जो ट्यूबिंग जो होती है इसको मोस्टली ग्लूट्रेल के द्वारा ही स्टरलाइज किया जाता है तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर इंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज बाई टू परसेंट ओके फ्रेंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की क्वेश्चन नंबर फोर है फ्रेंड द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है ऑप्शन ए है डाइजीपाम ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड ऑप्शन सी है नेलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड ऑप्शन डी है कैल्शियम ग्लूकोनेट तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करता हूँ वो जाता है कैल्शियम ग्लूकोनेट कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है एंटीडोट होता है मैग्नीशियम सल्फेट का फ्रेंड्स दो एंटीडोट ऐसे हैं जो मोस्टली आ जाते हैं या तो कैल्शियम ग्लूकोनेट दे के मैगनीशियम सल्फेट का पूछ लेगा या फिर हिपेरिन दे के प्रोटामाइन सल्फेट का पूछ लेगा ये दो फ्रेंड्स अल्टरनेट किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ओके तो हिपेरिन का जो एंटीडोट एंटीडोट होता है वो होता है प्रोटामाइन सल्फेट ओके फ्रेंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की क्वेश्चन नंबर फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज टू रिवर्स द एक्शन ऑफ स्केल्टल मसल्स रिलैक्सेशन टू फ्रेंड्स कौन सी ड्रग्स है यूज करते हैं अपन रिवर्स द एक्शन ऑफ स्कल्टल मसल्स स्कल्टल मसल्स का जो एक्शन है जो एक्टिविटी है उसको रिवर्स करती है रिलैक्सेशन ये रिलैक्सेशन भी करती है टू ऑप्शन ए है एट्रोपिन ऑप्शन बी है फाइसोस्टिजमाइन ऑप्शन सी है न्योस्टिजमाइन ऑप्शन डी है पायरिडोस्टिजमाइन तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर न्योस्टिगमाइन होती है friends, ये ड्रग्स यूज में लेते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स की फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है हाउ मेनी टाइम बेबी शुड पास द यूरिन ड्यूरिंग फोटोथेरेपी फ्रेंड्स कोई भी बेबी है उसको फोटोथेरेपी दी जा रही है जो कि अपन ज्वाइंडिस में देते हैं ओके okay? ज्वाइंट के अंदर फोटोथेरेपी जाती है तो नॉर्मली जो है बेबी कितने टाइम जो है यूरिन पास आउट करना चाहिए नॉर्मल कंडीशन के अंदर ऑप्शन ए है सेवन टू नाइन टाइम पर डे ऑप्शन बी है फोर टू सिक्स टाइम पर डे ऑप्शन सी है वन टू थ्री डे पर थ्री टाइम पर डे ऑप्शन डी है टेन टू ट्वेल्व टाइम पर डे तो फ्रेंड्स इसके अगर राइट आंसर की बात करते हैं वो जाता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर फोर टू सिक्स टाइम पर डे यूरिन पास आउट करना इसल होता है बेबी का अगर नॉर्मल्टी वगैरह नहीं है तो फोटोथेरेपी अगर बेबी के लगी हुई है तो फोर टू सिक्स टाइम यूरिन पास आउट करना चाहिए ओके okay? बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवन की फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवन है ए क्लाइंट मेम्ब्रेन रक्चर विल हर लेबर इज बींग एगमेंटेड विथ एंड ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन ए नर्स ऑब्जर्व वेरिएबल डी एसिलरेशन इन द हार्ट रेट ऑफ द फिटल मोनिटर स्टिप वक्न शूड द नर्स टेक फर्स्ट फ्रेंड्स एक क्लाइंट है जिसकी मेमब्रेन है वो रपच्चर हो चुकी है ओके okay, और लेबर के लिए आई है और मेमब्रेन है वो रप्चर हो चुकी है और ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन किया जा रहा है तो नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी वेरिएबल ऑब्जर्व क्या करेगी की वेरिएबल डीएसिलेशन है वो फिटल हार्ट रेट के अंदर देखने को मिल रहा है मोनिटर कर रही है तो फिटल हार्ट रेट जो है उसको मॉनिटर कर रही है तो वेरिएबल डीएसलरेशन अगर नर्सिंग ऑफिसर को डिटेक्ट होता है तो कौन सा एक्शन जो है फर्स्ट परफॉर्म करती है नर्स ऑप्शन ए है चेंज चेंज द क्लाइंट पोजीशन ऑप्शन बी है स्टॉप द क्लाइंट ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन ऑप्शन सी है प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एन इमीडिएट बर्थ ऑप्शन डी है टेक द क्लाइंट ब्लड प्रेशर तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं वो जाता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर चेंज द क्लाइंट पोजिशन फ्रेंड्स जो वेरिएबल डी डीएसिलरेशन होता है इस जो ये है इसके फिटल हार्ट रेंट के अंदर जो है एबनॉर्मलिटीज आती है तो इसमें क्या करते हैं मदर की जो पोजीशन है उसको चेंज करवाते हैं जिससे जो बच्चा जिस पोजीशन के अंदर है जिस कंडीशन के अंदर है उससे है मूव हो जाता है और ये कंडीशन रिजोल्व होने के चांसेज काफी हद तक बढ़ जाते हैं

वो है उसको कवर किया था और एक पार्ट स्पेसिफिक जो बनाया था स्पेशल क्वेश्चन बनाए थे उसके ट्वेंटी फाइव प्लस क्वेश्चन बनाए थे जिसमें इम्यूनोग्लोबिल्स है ए टू जेड क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए थे मैंने आपको बोला था इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता हो सकता है जो क्वेश्चन है इसको आंसर बना दे आंसर है इसको क्वेश्चन बना दे घूम सकता है क्वेश्चन बाकी इससे आउट क्वेश्चन नहीं आएगा तो अगर आप वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एस पी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल को आप सर्च करके वहाँ पे है इम्यून्योग्लोबिलिन्स के दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको पता है कि आप कहीं भी अटकोगे नहीं से रिलेटेड क्वेश्चन में तो ये बोल रहा है कि फ्रेंड्स जो प्ले एक इम्यूनोग्लोबिलिस्स कौन सा है दो तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है यानी ब्लड सर्कुलेशन फिटल सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है कौन सा इम्यूनोग्लोबिलिन्स है ऑप्शन ए आई जी डी ऑप्शन बी आई जी एप्शन सी आई जी एम ऑप्शन डी आई जी जी तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर की बात करता हूं तो आई जी जी इज मोस्ट जो मोस्ट ऑफ जो इम्योनोग्लोबिल्स होता है ये प्लेसेंटल बेरियर को क्रॉस कर सकता है ओके okay, फ्रेंड्स और ये फ्रेंड्स आई जी ए होता है ये मिल्क के अंदर पाया जाता है आपको जनरली बता देता हूँ फ्रेंड्स आई जी एम है ये लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिल्स होता है और आईजी डी होता है ये फ्रेंड्स बीटा लिंफोसाइट होती है बी लिंफोसाइड सॉरी उसको जो डिफ्रेंशियट करने का काम करता है वैसे इसका स्पेसिफिक कोई काम नहीं होता ओके okay? बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नाइन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसशियल फैटी एसिड फ्रेंड्स इसल और नॉन इसेंशियल जो आपको पता होगा इसेंशियल का मतलब होता है फ्रेंड्स आवश्यक है अपने को जरूरत है उस चीज की क्योंकि बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट करने के लिए अपने को आउटसाइड से लेना जरूरी है उसको बोलते हैं इसेंशियल एक तो होता है फ्रेंड नॉन इसेंशियल जो होता है जो कि जरूरत नहीं है अपने को बाहर से लेने की बॉडी खुद जो है इसको प्रोड्यूस कर सकती है बॉडी के अंदर बन सकता है ओके तो ऐसा कौन सा है जो फैटी एसिड है जो अपने को आउटसाइड से लेना पड़ता है ऑप्शन ए है लेनोलिन ऑप्शन बी है ट्राइगिल्सराइड ऑप्शन सी है लाइनोलिक एसिड ऑप्शन डी है कोलेस्ट्रॉल तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो इसका सी जा रहा है वो राइट आंसर जा रहा है लिन, लिनोलिनिक एसिड जो होता है लिनोनिनिक एसिड ये फ्रेंड्स इसेंशियल फैटी एसिड के अंडर में आता है ये ऑप्शन ए बी और जो डी होता है ये इसके जो है राइट आंसर नहीं होंगे क्योंकि लिनोनिन है ये इसेंशियल के अंदर नहीं आता ये एक कोलेस्ट्रोल हो ही गया और ये ट्राइगिलसराइड है ये भी नॉन इसेंशियल के अंदर आता है। ओके, okay? बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नंबर की। फ्रेंड्स फ्रेंड्स क्वेश्चन है। एक ट्यूब डालनी है, बच्चे के अंदर न्यू बोर्न के अंदर तो कॉम्बिनेशन यानी जो ट्यूब है ट्रेकियल ट्यूब है ट्रेकेस्टोमी कर रहे हैं तो ट्रेकियल जो ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो जो ट्यूब है टेकेल ट्यूब उसका वो लरिंग उसको फ्रेंड्स वो होता है जो लरिंग्स होता है उसको विजुअलाइजेशन के लिए अपन यूज में लेते हैं बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है आया हुआ है तो इसकी एक आपको स्ट्रक्चर जनरली रफ स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ फ्रेंड्स ऐसे हैंडल होता है उसका आगे यहाँ से फ्रेंड्स इसके एक ब्लेड लगी होती है एक ब्लेड तो होती है फ्रेंड्स क्राउड होती है ऐसे और इसके आगे यहाँ लाइट लगी होती है यहाँ पे जगह होती है फ्रेंड्स जिसके अंदर से अपन ट्यूब डालते हैं तो ये फ्रेंड्स अडल्टे काम में लेते हैं मोस्टली जो न्यू बोर्न के अंदर जो काम में लेते हैं फ्रेंड्स पिछली बार एम्स दिल्ली ने पूछा था तो उसके अंदर क्या होता है ये जो हैंडल है इसके आगे जो ब्लेड होती है फ्रेंड्स ये करुड ना होके ये स्ट्रेट होती है ऐसे होती है ये स्ट्रेट ब्लेड होती है और यहाँ इसके लाइट होती है जो लैरिंग्स को विजुअलाइजेशन में हेल्प करती है ड्यूरिंग ट्रेके जो ट्यूब डालते हैं उस टाइम और यहाँ इसके एक जगह होती है जिसे अपन टिकल ट्यूब जो है इंसर्ट करते हैं तो फ्रेंड्स इसका जो 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 ट्यूब डाल रहे हैं इसका और जो लरिंगोस्कोप ये है इसका जो है कॉम्बिनेशन क्या होगा उस टाइम ओके okay? उसकी ब्लेड का लैरिंगोस्कोपी ब्लेड का तो फ्रेंड्स आपको बता दिया अब चाइल्ड के लिए डालते हैं उसकी जो ब्लेड होती है वो तो होती है स्ट्रेट ओके okay? अब देखते हैं ऑप्शन ऑप्शन ए है अनकड ट्यूब विथ स्ट्रेट ब्लेड ऑप्शन बी है कफ्ड ट्यूब विथ स्ट्रेट ब्लेड ऑप्शन सी है अनकफ्ड ट्यूब विथ कर ब्लेड ऑप्शन डी है अनकफ्ड ट्यूब विथ कर ब्लेड फ्रेंड्स ये तो दोनों ऑप्शन जा ही नहीं रहेंगे ये नहीं जा रहे दोनों क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन जो है क्रोड ब्लेड के आगे हैं इसलिए ये दोनों गलत जा रहे हैं तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा अनकफ्ड ट्यूब लेते हैं फ्रेंड्स बेबी के अंदर ओके okay? और जो ब्लेड होती है वो स्ट्रेट होती है कफ़ नहीं होता फ्रेंड्स क्योंकि जो ट्रे क्या होता है बेबी का वो बिल्कुल से नेर होता है अगर वहाँ पे कफ़ जो है कफ़ को फ्लैट जो बैलून को फुलाएंगे उस टाइम क्या है वहाँ पास की जो ब्लड वेसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा जो है नाजुक होती है तो रप्चर होने की और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस होने की कंडीशन बढ़ जाती है इसलिए जो कफ्ड बेल जो ट्यूब होती है ये यूज़ में नहीं लेते और जो स्ट्रेट ब्लेड होती है लरिंगोस्कोप की वो अपन मोस्टली यूज में लेते हैं उसमें ओके फ्रेंड्स चलिए तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर इलेवन की फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर इलेवन है विच माइक्रोस्कोप इज एसोसिएटेड विथ सर्वाइकल कैंसर सॉरी विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो एसोसिएटेड होता है विथ सर्वाइकल कैंसर सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्शन ए है साइटोमिगेलो वायरस ऑप्शन बी है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ऑप्शन सी है न्यूमोकोकल ऑप्शन डी है माइक्रोबैक्टेरियम तो फ्रेंड्स सर्वाइकल कैंसर के लिए क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि ह्यूमन वायरस होता होता है होता है मोस्टली फॉर सर्वाइकल कैंसर यानी सर्विस में ये मोस्टली अपना काम करता है ओके okay? बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर इलेवन की ट्वेल्व की सॉरी कन्वर्ट फोर्टी डिग्री सेल्सियस इन टू फोरने हाइट जो फोर्टीन डिग्री जो सेल्सियस के अंदर है इसको फोरने हाइट के अंदर अपने को कन्वर्ट करना है तो फ्रेंड्स इसको फोरने हाइट के अंदर है कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑप्शन ए है और इसका सॉरी फोरने के अंदर इसका कितना होगा ऑप्शन ए है हंड्रेड डिग्री फोरनेइट ऑप्शन बी है वन जीरो टू डिग्री फोरन ऑप्शन सी है नाइन्टी एट डिग्री फोरने ऑप्शन डी है वन जीरो फोर डिग्री फोरनेइट तो फ्रेंड्स इसके पहले तो राइट आंसर की बात कर लेता हूँ वो हो जाता है वन जीरो फोर डिग्री फोरनेइट जो होता है वो इसका राइट right आंसर जाता है ओके okay? अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी से कि फॉर्मूला कौन सा है जिसके थ्रू जो है अपन जो सेंटीग्रेड है इसको फोर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स फोर के अंदर कन्वर्ट करना है तो फोर पहले आएगा फोर फिर आएगा डिग्री सेंटीग्रेड इंटू नाइन बटे फाइव प्लस थर्टी टू ये फ्रेंड्स फार्मूला यूज में लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है फॉरन एड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए तो अपन अगर इसको निकालेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फोर्टी हो गया और नाइन बटे फाइव प्लस थर्टी टू अगर इसको निकालेंगे अपन तो फ्रेंड्स इसको इससे काटेंगे आठ बार ये इसको इससे गुणा करके और प्लस बत्तीस करेंगे तो वन जीरो फोर जो है इसका आंसर आ जाएगा अब बात करते हैं कि सेंटीग्रेड को तो फोर में कन्वर्ट कर दिया फोर को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे तो फ्रेंड्स इसके लिए लेते हैं सेंटीग्रेड यहाँ लिखेंगे सेंटीग्रेड बराबर डिग्री फोर ने हाइट माइनस थर्टी टू इसल टू फाइव बट्टे नाइन ये फ्रेंड्स यूज में लेते हैं अपन जो है फोर ने हाइट को सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अगर वो फार्मूला आपने नहीं लिखा है तो एक साफ सा फार्मूला लिख दें क्लियर वो था फोरने हाइट डिग्री फोरने हाइट बराबर डिग्री सेंटीग्रेड इजल टू नाइन बटे फाइव प्लस थर्टी टू ये है फ्रेंड्स जो सेंटीग्रेड होता है उसको फोरने हाइट में कन्वर्ट करने के लिए और ये है जो फोरने हाइट होता है उसको सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ओके फ्रेंड चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की क्वेश्चन नंबर थर्टीन है फ्रेंड्स इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है ऑप्शन ए है ऑप्शन बी किडनी ऑप्शन सी नेक ऑप्शन डी ब्रेन तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका जाता है वो जाता है ब्रेन ब्रेन के अंदर होती है फ्रेंड्स क्योंकि ब्रेन का जो सरफेस होता है लोअर पार्ट होता है उस पे जो है वहां पे इचुएटेड होती है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड ओके बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है फ्रेंड्स फिटल हार्ट रेट कैन बी अस्कल्टेड विथ एट फिटोस्कोप एट ये सॉरी ये फिटोस्कोप है फ्रेंड्स ये फिटोस्कोप टाइपिंग मिस्टेक है फिटल हार्ट रेट को है कितने टाइम पे है किस टाइम अपन फिटोस्कोप के द्वारा अस्कल्टेट कर सकते हैं ऑप्शन ए ट्वेंटी वीक ऑफ गेस्टेशन ऑप्शन बी टेन वीक ऑफ गेस्टेशन ऑप्शन सी ट्वेंटी फाइव वीक ऑफ गेस्टेशन ऑप्शन डी फाइव वीक ऑफ गेस्टेशन तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं वो जाता है ट्वेंटी वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड के ऊपर है अपन फिटोस्कोप के द्वारा फिटल हार्ट रेट को अस्कल्टेट कर सकते हैं ट्वेंटी वीक यानी फाइव मंथ पे फाइव मंथ पे अपन है कर सकते हैं फिटल हार्ट रेट को फिटोस्कोप के द्वारा ओके बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की क्वेश्चन नंबर है है इज फॉर टू शुगर जो बनता है, वो कौन सी दो टाइप्स की शुगर के मिलने से बनता है ऑप्शन ए है ग्लूकोज एंड सुक्रोज ऑप्शन बी है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज ऑप्शन सी है ग्लूकोज एंड फ्रेक्टोज ऑप्शन डी है ग्लूकोज एंड and... ग्लूकोज तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की मैं बात करता हूँ जाता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज अगर दोनों मिल रहे हैं इसका कॉम्बाइंड कॉम्बिनेशन होता है तब जाके ग्लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है कॉम्बाइंड होने से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के कॉम्बाइंड होने से जो है लैक्टोज बनता है ओके बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की इन द अपेंडिक्स इज लोकेटेड इन अपेंडिक्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होती है ऑप्शन ए है द लेफ्ट एंटीकोबाइडल फोसा द राइट ऑप्शन बी है द राइट फोसा ऑप्शन सी है द राइट एंटी फोसा ऑप्शन डी है द लेफ्ट एलेक् फोसा तो फ्रेंड्स इसका राइट right आंसर की बात करता हूँ वो जाता है राइट right फोसा क्योंकि राइट साइड में जो लोअर क्वारेंट होता है उसमें अपन जो है अपेंडिक्स सिचुएटेड होती है लोकेटेड होती है तो उसको अपन राइट एलिय फोसा भी बोलते हैं जो इलिया इलियम जो बोन होती है उसके लेवल पे ओके बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है फ्रेंड्स इंट्रा एरोटिक बैलून पंप इज यूज फॉर इंट्रा एरोटिक जो बैलून लगाते हैं फ्रेंड्स एंट्रा एरोटिक यानी हार्ट का जो एरोटा होता है उसके अंदर बैलून लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं किसके यूज के लिए लगाते हैं ऑप्शन ए है रिमूव ऑफ एरोटिक थ्रोम्बस ऑप्शन बी है डायस्टोलिक इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ऑप्शन सी है मिट्रल वॉल्यूनट्री सॉरी वोलोटोमी और ऑप्शन डी है सिस्टोलिक इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर तो फ्रेंड्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन इंक्रीज हो रहा है ये या फिर जो मिट्रल वॉल होता है उसकी जो वॉल होती है उसको रिप्लेसमेंट उसको निकालने के लिए या डायस्टोलिक इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर या फिर रिमूव ऑफ जो एरोटा के अंदर अगर थ्रोम्बस बन गया है उसके लिए अपन एरोटिक बैलून पंप यूज में लेते हैं तो फ्रेंड्स इसका राइट right आंसर जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर सॉरी बी इज राइट आंसर क्योंकि फ्रेंड्स जो डायस्टोलिक इंक्रीज हो रही है बीपी उस टाइम जो है एरोटिक वॉल जो बैलून लगाते हैं वो उस कंडीशन के अंदर लगाया जाता है ओके बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एटीन की फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एटीन है ए फोर ईयर्स ओल्ड चाइल्ड विथ नेफ्राइटिक इज़ बींग ट्रीटेड विथ कॉर्टिको स्टोरॉयड थेरेपी ए नर्स रिव्यू द लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड यूरिन टू इवाल्वेट इफ़ द ट्रीटमेंट हैज़ बीन इफेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग सुड डीक्रीज फ्रेंड्स एक चार साल का बच्चा है जो कि नेफ्रोटिक कंडीशन यानी नेफ्राइटिस कंडीशन जो किडनी की जो है प्रॉब्लम है उसको इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो उसके कंटिन्यू स्टेरॉयड थेरेपी चल रही है तो नर्स रिव्यू कर रही है फ्रेंड्स उसके लेबोरेटरी जो रिपोर्ट होती है यूरिन से यूरिन की रिपोर्ट है लेबोरेटरी सही है उसको इवाल्यूएट कर रही है तो ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव है या नहीं है वो क्या चीज़ अगर डिक्रीज उसमें देखने को मिलती है तब वो नर्स फाइंड आउट करती है कि उसमें जो है कंडीशन में इंप्रूवमेंट हुआ है इफेक्टिव है ट्रीटमेंट ऑप्शन ए है ग्लाइकोस यूरिया ऑप्शन बी है, है हेमिच यूरिया ऑप्शन सी है प्रोटीन यूरिया ऑप्शन डी है पोलियो यूरिया फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करता हूँ वो जाता है प्रोटीन यूरिया क्योंकि फ्रेंड्स जो किडनी की नेफ्राइटिस डिजीज होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है या नेफ्राइटिस होता है उसके अंदर जो है प्रोटीन जो है यूरिन के साथ में आने लग जाती है मोस्टली एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है फ्रेंड्स ये है आ रही है तो इफेक्टिव नहीं है अगर यूरिन के अंदर लेबोरेटरी टेस्ट में नर्स ने डिटेक्ट किया है कि प्रोटीन यूरिया कंडीशन नहीं है तो वो कंडीशन है इम्प्रूव हो रही है ट्रीटमेंट है जो इफेक्टिव है ये अपन फाइंड आउट करते हैं ओके okay, फ्रेंड्स बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 की फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए सिग्मोइडोस्कोपी व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड प्रोवाइड द क्लाइंट इन प्रिपरेशन फॉर दिस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एक क्लाइंट है फ्रेंड्स उसका सिग्मोइडोस्कोपी होनी है सिग्मोइड कोलन है उसकी जो है स्कोपी उसकी सिग्मोइडोस्कोपी करनी है व्हाट इंस्ट्रक्शन क्या इंस्ट्रक्शन देंगे अपन अपना प्रोसीजर करने से पहले क्या प्रिपरेशन रखनी है ये अपना इसमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे ऑप्शन ए स्ट्राइल कंटेनर विल बी प्रोवाइड फॉर द स्टूल ऑप्शन बी चॉक लाइक सब्सटेंस विल हैव टू बी सोलोव ऑप्शन सी हैव एन एनिमा एट मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट ऑप्शन डी विद होल्ड फूड फॉर ट्वेंटी फोर हावर्स बिफोर द टेस्ट तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की मैं बात करता हूँ वो जाता है ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर क्योंकि सिग्मोडोस्कोपी होती है उससे जस्ट मॉर्निंग होता है उसमें ही जो है उसको मॉर्निंग में टेस्ट होना है तो उससे पहले अपने को उसको एनीमा देना होता है ये है एन एनीमा एट मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट टेस्ट जैसे मॉर्निंग में होना है तो उसको जो है पहले एनीमा दिया जाता है ओके okay, ये अपने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करने से पहले ओके okay, फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कंसेंट्रेशन ऑफ ओ टू ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर इज अबाउट इनहेल कर लेते हैं अपन और एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करते टाइम जो है ऑक्सीजन की कितनी कंसेंट्रेशन जो है उस एयर के अंदर होती है ऑप्शन ए जीरो परसेंट ऑप्शन बी सिक्सटीन परसेंट ऑप्शन बी ट्वेल्व परसेंट ऑप्शन डी टेन परसेंट तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर जाता है वो जाता है सिक्सटीन परसेंट टोटल इन्वायरमेंट के अंदर फ्रेंड्स अपने होती है ट्वेंटी वन परसेंट होती है जिसमें से अपन है फोर या फाइव परसेंट है ओनली बॉडी यूज में लेती है बाकी की अपने है क्रिएट कर देते हैं ड्यूरिंग एक्सपायर ओके okay, तो ये थे फ्रेंड्स आज के ट्वेंटी क्वेश्चन कैसा लगा वीडियो अगर ऐसी टाइप का वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर दें ताकि डेली के बीस क्वेश्चन आपको जो है नॉर्मली है रिव्यू होते रहेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा और फ्रेंड्स एम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए है मोर देन क्वेश्चन सोल्व करें थ्योरीटिकली ध्यान ना दें ओनली जो प्रीवियस क्वेश्चन है क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उसकी और बिना जो टेंशन के हैं बिना अपने कोई भी झंझटाहट के किसी भी प्रॉब्लम जो है उसको एक बार साइड में रख के आप जो है तैयारी करें क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है ओके okay, फ्रेंड्स तो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ़ द डे का क्वेश्चन रखा है फ्रेंड डेली की तरह आपको इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है तो फ्रेंड्स so, क्वेश्चन है हेमलिच मैनिवर इज यूज फॉर हेमलिच मैनिवर है इसको कब यूज में कर लेते हैं ऑप्शन ए है टर्मिनेट कार्डिनल अरेदिमिया ऑप्शन बी है रिमूवल ऑफ यूरिथल स्टोन ऑप्शन सी है फैसिलिटेड वेजाइनल डिलीवरी ऑप्शन डी है रिमूवल फॉर फॉरिजन बॉडी फ्रॉम ट्रेकिया ट्रेकिया से फॉरिजन बॉडी रिमूव करने के लिए या डिलीवरी के लिए या से स्टोन निकालने के लिए या कार्डियक या कार्डियक कार्डिक होता है उसको ट्रीट करने के लिए तो फ्रेंड्स इसका आंसर है वो कॉमेंट बॉक्स के अंदर देना है और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स के अंदर आपको ए बी सी डी ये नहीं लिखना है प्लीज आप ए बी सी डी है इसको मत लिखना आपको लिखना है ये जो है ये लाइनें जो है इन लाइनों को लिखना है फ्रेंड्स ए में है तो टर्मिनेट कार्डियल डिसअरेदिमिया या ए लिखना है आपको बी अगर है तो रिमूवल ऑफ़ यूरिथरल स्टोन ऐसे लिखना है फ्रेंड ताकि जो है इजिली जो है आप लिखोगे तब आपका प्रैक्टिस ज़्यादा बेटर होगा उससे आप बी लिख देते हो नॉर्मली अच्छी बात है पर आपने अगर ऐसे रिमूवल ऑफ यूरिथरल स्टोन ऐसे लिखोगे तो आपका जो है इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा ओके तो फ्रेंड्स आपको ए बी सी डी नहीं लगाना है आज से अपने जो ऑप्शन है इसको पूरा लिखना है क्योंकि बड़े ऑप्शन नहीं आते फ्रेंड्स अपने पास छोटे ऑप्शन है फिर भी अपन लिख सकते हैं ओके ओके फ्रेंड तो कैसा लगा हमारे वीडियो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ओके फ्रेंड थैंक यू बी कंटिन्यू योर स्टडी ओके बेस्ट ऑफ लक थैंक यू गुड बाय